वेलकम टू लेट आई टी बी ईजी। लेट सी हाउ टू डिलीट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री इन गूगल पे। इसके लिए आप पहले गूगल पे ओपन करिए। इसमें से आप हिस्ट्री डिलीट कर सकेंगे जो भी आपने किसी से ट्रांजेक्शन किए। इसके लिए हमें ऊपर जो हमारा लोगो या आइकन होगा हमारे नेम का, उस पर हम क्लिक करेंगे, या यहाँ पर आपका ईमेल आईडी का आइकन आ सकता है। यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना है थर्ड ऑप्शन, विच इज़ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ये सेटिंग्स ऑप्शन का थर्ड वाला ऑप्शन है। देन वी हैव टू क्लिक डेटा एंड पर्सनलाइजेशन। यहाँ पे हम अपना मैनेज कर सकते हैं डेटा या इंफॉर्मेशन। देन वी हैव टू क्लिक गूगल अकाउंट। ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है ये सारी गूगल अकाउंट से लिंक है। ये पेज इस साइड से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे स्क्रोल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ सारी एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस हमें दिख रहे हैं, प्लस उसके सामने एक क्रॉस बटन दिया हुआ है और ऊपर से मैंने डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करके रखी हूँ। तो ये हर ऑप्शन दिख रहे हैं आपको हर टाइप के ट्रांजैक्शंस डेट के अकॉर्डिंग। अगर आप डेट वाइज डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस डेट के आगे वाले क्रॉस पर क्लिक करिए। अगर आप उस डेट में कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की ही हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के ऊपर ही क्रॉस करिए आप। यहाँ पे सारी हिस्ट्री जब से आपने गूगल पे ओपन किए हैं तब से सारी हिस्ट्री यहाँ आ जाती है। ये एक पॉपअप आता है डिलीट कंप्लीशन का, इसमें ये कहता है कि ये एक बार डिलीट होने के बाद रिकवर नहीं हो सकती। तो यहाँ से जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं आप आराम से डिलीट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप सारा हिस्ट्री, सारा ट्रांजैक्शंस एक के नीचे एक आ रहा है। ये सारा दिसंबर का है। रिसीव्ड पेड सारे ट्रांजैक्शन यहाँ विजिबल रहेंगे हमें, और इस तरीके से हम गूगल प्ले की हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं हमेशा के लिए।